गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने करंट अफेयर्स को लेकर के एक नया सेशन आरंभ किया है, इसकी आज दूसरी क्लास है, सेकेंड लेसन है। और इस लेसन में जैसे कल हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट के लेवल पे जो घटनाएं घटित होंगी उनको एक समराइज फॉर्मेट में हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इस फॉर्मेट की जो हमारी हमने जो रणनीति तय की है, जो हमने इसका फॉर्मेट जो तय किया है, उसमें तीन तरह के मटेरियल्स को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। पहले मटेरियल में जो है करंट, जो पिछले 24 घंटे की जो घटनाएं हैं, घटित हुई हैं, खबरें हैं, प्रमुख समाचार हैं, और ये सारी की सारी जो चीज़ें उसको समराइज फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरे फॉर्मेट में जो है हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, उसको हम विकल्पात्मक स्वरूप में आपके सामने लेकर के आएंगे। और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर के साथ साथ हम उसको एक एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम क्रश क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं। क्रश क्वेश्चंस उसका जिस्ट होता है, उसको व्याख्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करने की एक शैली होती है। और आखिरी उसके उसमें जो है हम आरएएस की परीक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, आरएएस की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो छोटे जो आंसर है, छोटे जो क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं, उनको हम 20 से 50 शब्दों में लाने की कोशिश करेंगे। उसमें प्रश्न भी होगा, उसका विकल्प भी होगा, और विकल्प के साथ साथ उसकी जो है व्याख्या भी होगी समराइज वे में। तो आज के इस नए लेसन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज आप सबको पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। पृथ्वी दिवस को आप सब लोग एक उल्लास के साथ मना रहे होंगे। आप सब जानते हैं आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसमें पूरी दुनिया के जो इंडिजिनस पीपल्स हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने इस धरा को, इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को इस रूप में संजो कर रखा और इस रूप में संरक्षित रखा कि आज हमको एक विरासत में एक ऐसी पृथ्वी मिली है जिस पे हम एक गर्व कर सकते हैं। पर हम हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए क्या वैसी ही विरासत तैयार कर रहे हैं जो हमको हमारे पुरखों ने, हमारी पुरखोती ने हमें दी थी? तो इस पर एक सोचने का विषय है। आप सब जानते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का है, और ग्लोबल वार्मिंग की जो पूरी की पूरी जो कहानी है ये आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक रेशियो है वो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, इससे ओजोन में भी छिद्र हो चुके हैं, और जो हानिकारक जो किरणें हैं वो कई बार धरती पर आने की खबरें इधर मिलती रहती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, उस थ्रेट को रोकने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुलभ एक साधन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पृथ्वी का संरक्षण करें, प्राकृतिक चीज़ों का उतना ही दोहन करें जितना कि ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा दोहन ना करें। और ये सारी जो चीज़ें हमें आदिवासियों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासियों ने जो हमें जो संस्कृति दी है, आदिवासियों ने हमें वो संस्कृति दी है जिसमें पृथ्वी का मैक्सिमम संरक्षण है, और उन्होंने उस प्रथा को एक नई एक टर्म के साथ में यूज किया है जिसको हम धराड़ी बोलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर उसको टोटम बोलते हैं, टोटमिज्म। ये टोटमिज्म और ये धराड़ी प्रथा क्या है? ये टोटमिज्म और धराड़ी प्रथा पृथ्वी को अपना अंग मानना, अपना अंश मानना, पृथ्वी को अपना, पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इवन जो घास फूस हैं, उनको भी उसी रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ जगह देना जिससे कि वो संरक्षित रह सके। और इस सारी की सारी थीम को लेकर के पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और आज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, उसकी आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करेंगे। आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने जो पहला जो इशू रखा है वो पृथ्वी दिवस से संबंधित ही रखा है, और पृथ्वी दिवस का जो
आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, ये जो दिन है 22 अप्रैल का दिन, 22 अप्रैल को जो है हम पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया में मना रहे हैं। कहीं इसको एक दिन के रूप में मनाते हैं, कहीं इसको सप्ताह के रूप में मनाते हैं, कहीं इसको पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और कहीं इसको मासिक रूप से मनाते हैं, महीने के रूप में मनाते हैं। तो ये जो चार फॉर्मेट इसको मनाने के हैं और इसको जो मनाने के और पृथ्वी के जो संरक्षण की जो बात है उसके पीछे की जो पूरी की पूरी जो थीम है उस पर हम जिक्र करेंगे, उसका हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे। तो ये हर साल जो है 22 अप्रैल को जो है पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में और उसको पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण के समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये जो पृथ्वी दिवस है जिसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं, अर्थ डे पहली बार जो है 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया और इसमें 193 जो देशों में इसकी जो मनाया जाता है। इसकी स्थापना के पीछे अमरीकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। और जेराल्ड जो अमरीकी जो सीनेटर है उन्होंने इस पृथ्वी दिवस को मनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है इसकी पहल की और उस पहल का ही नतीजा है कि आज हम पृथ्वी के संरक्षण के रूप में आज के दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे अगर इसको और विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि पृथ्वी दिवस की जो मुख्य जो वजह है, इसका मुख्य जो महत्व है, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, जैसा कि मैंने अपने आरंभिक स्टेटमेंट में आपके से कहा था। और ये ग्लोबल वार्मिंग में जो है पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया जाता है। ऐसे में सितंबर 1969 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन विस्कॉन्सिन अमेरिकन जो सीनेटर थे जेराल्ड नेल्सन, उन्होंने घोषणा की कि 1970 के बसंत में पर्यावरण में राष्ट्रव्यापी जनसाधारण प्रदर्शन किया जाएगा। और सीनेटर नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में जोड़ने की पहल की और इसे राष्ट्रीय व्यापी पर्यावरण एजेंडे के रूप में शामिल करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान के विरोध में एक दिन के रूप में उसको उन्होंने शुरुआत की। जाने माने फिल्मकार और टेलीविज़न से जुड़े हुए अभिनेता एंडी एल्बर्ट ने भी इस पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपने योगदान के द्वारा यह साबित किया। और विशेष रूप से 1970 के बाद एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी दिवस को अल्बर्ट के जन्मदिन 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा। और ये जो अमरीकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन और एंडी अल्बर्ट दोनों का जो संयुक्त जो प्रयास था, उस प्रयास से पृथ्वी दिवस को मनाया जाने लगा और इसका दिन जो तय किया वो एल्बर्ट के जन्मदिन के दिन मनाया जाने लगा। तो ये इस तरह का जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी दिवस की जो शुरुआत है वो किसके जन्मदिन के आधार पर हुई या किसके जन्मदिन से शुरुआत इसकी हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम आगे देखते हैं कि ये कहा जाता है कि पृथ्वी दिवस की धारणा सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने सेंटा बारबरा में घूमकर आने के बाद शुरू की और ये शुरुआत 1969 में भयंकर तेल रिसाव के कारण बाद हुई। अमेरिका में 1969 में एक भयंकर तेल और गैस के रिसाव की एक घटना घटी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया था। और ऐसी स्थिति में जेराल्ड नेल्सन और एडी अल्बर्ट ने मिलकर के ऐसे दिन की शुरुआत की जो पृथ्वी के संरक्षण के दिन के रूप में माना जाता है। और ये जो है वाशिंगटन वापस लौटे तो 22 अप्रैल को इन्होंने जो है पृथ्वी दिवस को मनाने की घोषणा की और ये दिवस जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़ी जो दूसरी जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसमें 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया और लगभग 20 लाख अमरीकी लोगों ने एक स्वस्थ स्थायी पर्यावरण के लक्ष्य के साथ साथ इसमें भाग लिया। और पृथ्वी दिवस की उत्पत्ति अमेरिका में हुई लेकिन 1990 तक दुनिया भर के
मान्यता प्राप्त देशों ने इसको मनाना शुरू कर दिया और 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में घोषित किया और सीनेटर नेल्सन ने ऐसी तारीख को चुना जो कॉलेज के कैंपस में पर्यावरण शिक्षण में भागीदारी का अधिकतम कर सके। उन्होंने निर्धारण किया कि इसके लिए 19 से 25 अप्रैल तक का सप्ताह सर्वोत्तम माना जाता है और इसमें हम ये देखते हैं और ये पाते हैं कि जेराल्ड नेल्सन ने ये के पीछे की जो सोच थी वो सोच इस बात के लिए थी और वो ये चाहते थे कि पृथ्वी दिवस को उस हाईएस्ट लेवल पर मनाया जाए जिसमें ना धार्मिक त्यौहार हो, ना परीक्षाएं हो, ना दूसरे तरीके के व्यवधान हो, ताकि पृथ्वी का जो संरक्षण है, पृथ्वी संरक्षण का जो संकल्प है, उसको हम एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक पखवाड़े के लिए, एक महीने के लिए, जितना अच्छा अच्छे लेवल पे हम इसको मना सकते हैं उसको मनाएं। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए जो है सबसे सुटेबल जो है 19 से 25 अप्रैल की समय को माना और इसी वजह से जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। वो सीनेटर जेराल्ड का ये मानना था कि इसको एक ऐसे महीने उसमें रखा जाए जहाँ कम से कम त्योहारों, कम से कम धार्मिक आयोजन होते हों, ताकि पूरी तरह से पृथ्वी को जो संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के संरक्षण के लिए जो हम एक डेडिकेटेड एक शुरुआत कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो। तो उसमें इन्होंने परीक्षा के दिनों को छोड़ करके, बसंत की छुट्टियों के समय को छोड़ करके और धार्मिक छुट्टियों को छोड़ करके इन सबको अलहदा एक ऐसा समय चुना जिसमें हम इस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं, पूरी तरह से इसमें जो है नमस्कार मना सकते हैं, इसका सम्मान कर सकते हैं। आलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह जैसे वो नहीं थे, ये सारा का सारा जो है और ये सब इसकी जो इसकी अहमियत को देखते हुए जेराल्ड सीनेटर ने जो है इसको चुनने के लिए, इसको मनाने के लिए शुरुआत की। अभी जो मुख्य जो विषय है 2021 में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उस साल के पृथ्वी दिवस को मनाने के पीछे की थीम क्या थी, उसका जो वो एक जो उसका जो पंचलाइट जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी पंचलाइट क्या थी, कि उसका उसका एक 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 उसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था। तो इसको इस साल का जो स्लोगन है वो ये है, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ये 2021 का स्लोगन है, ये 2021 की पंचलाइट है और ये परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इस तरह के जो सवाल है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा कि ये जो इस साल 2021 का जो पृथ्वी दिवस का जो स्लोगन है, पृथ्वी दिवस का जो थीम है, वो हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने के बारे में है। कैसे हम हमारी पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे इसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इसमें इसको पृथ्वी को पूरी सप्ताह के रूप में मनाने की बात आती है, आमतौर पर 16 अप्रैल से शुरू होता है और 22 अप्रैल तक जो है इसका समाप्त किया जाता है। ये इसको मनाने के जो है, जैसे जो आपको कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से संगत का चुनाव कीजिए या इसमें असंगत का चुनाव कीजिए, इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो बिंदु हम लेकर के आए हैं वो भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और इसमें जो आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी जो देने की हम कोशिश कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, उसके पीछे की जो तथ्य है वो ये है कि नासा ने एक मंगल पर एक उसका वो छोड़ा है, उड़ान भरी एक हेलीकॉप्टर ने, जो इस हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो मार्स हेलीकॉप्टर है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरने के लिए ये पहला हेलीकॉप्टर है जो मानवहीन है,
इसमें बिना मनुष्य के हेलीकॉप्टर को वहाँ पे भेजा गया। इसको किस तरह से वहाँ पे उतारा गया इसकी एक अलग से आप पूरा नोट्स ले सकते हैं। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने आज मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी, आपको अक्सर ये पूछा जा सकता है कि नासा कहाँ की एजेंसी है, तो ये आपको जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे ही अमेरिका में जो है नासा है। तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अनुसार रोबोट हेलीकॉप्टर ने आज तड़के मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और लैंडिंग की है। किसी दूसरे ग्रह पर किसी विमान की यह नियंत्रित और पहली उड़ान है। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नासा के मिशन के प्रबंधक 4 पाउंड के 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर की उड़ान पर खुशी से झूम उठे और हेलीकॉप्टर ने योजना के अनुसार 40 सेकंड तक उड़ान भरी। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जो है वो कि कितने सेकंड तक उसका जो भरी, तो उसने 40 सेकंड तक भरी। ये रोबोट हेलीकॉप्टर 3 मीटर तक ऊपर गया। कितने मीटर तक गया? 3 मीटर तक, और फिर आधे मिनट तक चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक नीचे उतर आया। ये इससे जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद जो हम अगला जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आपके सामने रखना चाहते हैं, वो आप जानते हैं कि भारत में जो COVID-19 की जो स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है, उससे दूसरी दुनिया के जो देश हैं वो भी डर रहे हैं, और उनके जो राजाध्यक्ष हैं, उनके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे जो डिग्नेटरीज हैं, वो अपनी यात्राएं भारत में कैंसिल कर रहे हैं, उसका शेड्यूल बदल रहे हैं, और वहाँ के नागरिकों को अपील कर रहे हैं कि भारत में कम से कम जाएं, और भारत में अगर कोई है तो, जैसे मैंने कल भी आपको इसके बारे में एक सवाल के जवाब में बताया था कि हमारे जो भारत आने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी मना किया था। आज दूसरा जो वो है वो जापान के प्रधानमंत्री ने भारत आने से मना किया है, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशीहिदे सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भाई जापान के कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत आने से मना किया, और किस वजह से किया, कब किया, और इसका कारण क्या था। तो इसका कारण जो बताया उन्होंने, कोविड के बढ़ते हुए मामले के कारण उन्होंने भारत की यात्रा को स्थगित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मान लीजिए इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव सवाल ना आकर के कोई छोटा सवाल आता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि RS के एग्जाम में कुछ सवाल जो है वो कुछ शब्दों में पूछे जाते हैं, तो इसको अगर हम डिटेल में अगर बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अपनी यात्रा, भारत की यात्रा स्थगित कर दी। श्री सुगा इसी महीने के अंत में भारत आने वाले थे। दोनों देशों ने इस सप्ताह के अंत में टोक्यो में होने वाली विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता को भी स्थगित करने का फैसला किया है। जापान में विशेष रूप से टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, तो ये कोरोना की वजह से जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत की यात्रा को स्थगित किया है। और इससे पहले मैंने कल आपको बताया था, अभी आपको जिक्र कर रहा था कि 19 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत की यात्रा स्थगित कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अमेरिका की बात की, हमने जापान की बात की, नासा की बात की, नासा के में मंगल ग्रह पर छोड़े गए हेलीकॉप्टर की बात की, तो हमारे देश पर भी जब हम बात करते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को जो है अमेरिका ने जो है, अमेरिका के जो नए जो राष्ट्रपति है बाइडन ने एक न्योता भेजा है, और उसमें उनको अमेरिका में आयोजित जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने जलवायु परिवर्तन में शामिल होने, जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन में शामिल होने के लिए, शिखर सम्मेलन जो है उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसको अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कल जलवायु के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से जो है फिजिकल प्रेजेंस सबके लिए वो है, तो ये ऑनलाइन ही होगा जैसे आप हम जुड़े हुए हैं, तो वर्चुअल माध्यम से होगा। और इसमें जो है मोदी जी के लिए अवर कलेक्टिव स्पिरिट 2030 सत्र में ये अपने विचार करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम्स में आप सब लोगों को परेशान कर सकता है, आ सकता है, आने की संभावना है कि मोदी जी ने जलवायु सम्मेलन के शिखर सम्मेलन में कौन से सेशन को संबोधित किया, कौन से सम्मेलन को एड्रेस किया, तो आप अवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030 सत्र में वो अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने आमंत्रित किया था। वो सम्मेलन विश्व में करीब 40 नेताओं ने भाग ले रहे हैं, पूरे विश्व के जो है 40 देशों के जो राज्याध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब उसमें जो है भाग ले रहे हैं। उसमें बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में एक और बात जो जुड़ी हुई है कि सम्मेलन के दौरान विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यकलाप, जलवायु समान अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए भी धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो वही जो पृथ्वी दिवस की जो हम बात कर रहे थे, पृथ्वी के संरक्षण से जुड़े हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिसर्च हो रहे हैं उन रिसर्च के लिए धन जुटाने के लिए भी ये जो 40 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जो बैठ करके ये उससे उसके लिए मॉनेटरी अरेंजमेंट के लिए धन जुटाने के लिए भी बातचीत करेंगे। ये सम्मेलन जलवायु से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित विश्व बैठकों की श्रृंखला में से एक हिस्सा है और नवंबर 21 में आयोजित कोप के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो है ये नवंबर में आयोजित कोप 26 के बाद आयोजित किया जा रहा है। दूसरा जो भारत से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है उसके बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक के रिसाव होने से 22 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद घटना है और ये कल ही घटित हुई है और इसमें जो है 22 लोगों की मौत हो गई है। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का एक प्रश्न बन सकता है जिसमें मिगेल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो उपनाम के बिना क्यूबा का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जो है क्यूबा का जो राष्ट्रपति है वो भी ये नए बने और उनका नाम जो है मिगेल डियाज कैनेल है। अब हम संक्षिप्त घटनाओं पर जिक्र करने के बाद इस बात पर आते हैं जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम इस सेशन में रोज शाम को 4 बजे लाइव आएंगे और लाइव आने में जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम होगा उसका जिक्र करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद पिछले 24 घंटों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में उसको हम विकल्पात्मक रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको छोटे सवालों के जो जवाब है जो कि RS की मुख्य परीक्षा वगैरह में पूछे जाते हैं उसके पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा जो सेशन है ये IAS, RS, PSI, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, इन सबकी जो परीक्षा है उन सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इससे आप अपने दोस्तों को जोड़िएगा और आप भी इसमें निरंतर जुड़े रहिएगा। पहला जो सवाल है वो है किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दी है। इसमें हमने कल एक डिस्कशन किया था और इसमें हमने ये कहा था कि फ्रांस ने एक नया कानून बनाया है, नया बिल लाया है और उसमें उन्होंने इकोसाइड के ऊपर बिल ला करके, तो इसका जो पहला जो विकल्प है वो है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस, चौथा है नेपाल और इसका सही जो उत्तर है वो है फ्रांस।
और इससे संबंधित जो इसका जो विश्लेषण है, हम जब विश्लेषण की जब बात कर रहे हैं साथ में, तो ये विश्लेषण जो है इससे जुड़ा हुआ, उसमें फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल तक की जेल और 5 बिलियन यूरो यानी लगभग 5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। ये कानून मुख्य रूप से उन लोगों का को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे के में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की सजा और 3 लाख यूरो का जुर्माना भी होगा। ये इन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य जोड़ा है कि इसमें सजा का प्रावधान भी होगा और इसमें फाइनेंशियल जो है आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। और इससे जुड़े हुए सवाल जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल तो यही बनता है कि इकोसाइड क्या है। इकोसाइड एक ऐसा कानून है जो फ्रांस लेकर के आया है और फ्रांस ने पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में ये कानून लेकर के आए हैं और इसको है उन्होंने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दंडित करने के लिए ये बिल लेकर के आए हैं, जिसमें जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको अपराधियों को 10 साल तक की जेल होगी, 5 मिलियन यूरो उसमें जुर्माना होगा और उसमें जो है 3 साल तक की जेल होने का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न इस सेशन में हम लेकर के आए हैं वो है, किस राज्य सरकार ने राज्य में COVID-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 20 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ये 22 से 29 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, क्या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह किसने घोषणा की है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा विकल्प है पंजाब, चौथा विकल्प है दिल्ली और इसमें से सही जो विकल्प है वो है झारखंड। झारखंड ने जो है क्या किसकी घोषणा की है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। झारखंड सरकार ने राज्य में COVID-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 20 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से कहा गया है कि वह अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले। इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेंगी, जबकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र चिन्हित कार्यालय भी खुले रहेंगे। अगला जो प्रश्न है आज का, उसमें तीसरा जो प्रश्न है वो है, सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हुआ है और ये जो है इनमें पहला विकल्प है सुमित्रा भावे, दूसरा है पीयूष सिंह, तीसरा है नागराज मुंजुले और चौथा है गजेंद्र अहिरे। तो इसका सही जवाब जो है वो सुमित्रा भावे है। और इनके बारे में इनके विश्लेषण जब हम इस प्रश्न का करते हैं तो पाते हैं कि सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुक्थनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने में उनके तरीकों के लिए जानी जाती थी। वो जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई अभिनेत्री थी और उन्होंने इसके लिए आउट ऑफ द कंटेंट जाकर के काम किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आप अच्छे से नोट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो चौथा जो सवाल हमारा जो आज का है उसमें, हाल ही में नासा ने एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजुनेटी को किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ किया है और ये जो
अभी हम जो बात कर रहे थे उस हेलीकॉप्टर के बारे में, इसमें बुध ग्रह पहला ऑप्शन है, शुक्र ग्रह दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी तीसरा है और चौथा है मंगल ग्रह, और इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी, ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। ये किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित और नियंत्रित उड़ान थी। पृथ्वी पर ऐसी पहली उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलिनिया के किटी होक में प्रदर्शित की थी। इंजीनियरिटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है और इसे नासा ने पार्सिवेंस रोवर द्वारा लॉन्च किया, ले जाया गया है, जिसे जुलाई 1920 में लॉन्च किया गया था। तो इससे जुड़े हुए चार पांच सवाल महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजीनियरिटी। एक दूसरा जो है किस पे छोड़ा गया है? मंगल ग्रह पे छोड़ा गया है। तीसरा, इसका जो पहली उड़ान कब भरी गई थी? 1903 में ऐसी एक उड़ान भरी गई थी, राइट ब्रदर्स के द्वारा भरी गई थी। और उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में प्रदर्शित की थी, और ये जो है इसमें इसे जुलाई 19 में जो है पर्सिवरेंस नामक जो है रोवर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो है इसमें पांच छह सवाल एक सवाल से बनते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ठीक से अपने नोट्स ले लीजिएगा। आगे जो है पांचवा जो प्रश्न है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। देखिए सवाल में ही अपने आप में चार पांच प्रश्न हैं, इन सारे उसको पहले साइबेरिया के वैज्ञानिकों का, दूसरा दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीएडी गीगाटन वॉल्यूम, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया। तो पांच सवालों का एक जो जवाब है उसमें विकल्प है पहला नेपाल, दूसरा रूस, तीसरा जापान, चौथा चीन, और इसका सही उत्तर है रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, पहला जवाब बैकाल गहरी झील, दूसरा बैकाल जीवीडी, इसका पूरा फुल फॉर्म है गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमय मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित खतरों स्रोतों का निर्धारण किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए और बहुत सारे सवाल भी छुपे हुए। छठा जो प्रश्न है आज का, इसमें विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 20 जनवरी, 15 मार्च, 21 अप्रैल, 19 जुलाई। सही जवाब है सी, 21 अप्रैल। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने, रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने,
की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसके नोट्स आप रख लीजिए। सातवां आपका आज का जो सवाल है उसमें इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। पहला विकल्प है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन, चौथा रूस और सही इसका उत्तर है ए भारत। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। ये देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य परियोजना है। पहली इटली जो है पहली खाद्य परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। साथ ही ये परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को भी ध्यान केंद्रित करेगी। आज का आखिरी सवाल जो विकल्प वस्तुनिष्ठ रूप में हमने शामिल किया है, ये सवाल है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस इस वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, लूनर 25 मिशन एजेंसी के द्वारा चलाया जाना है और उसको लॉन्च करने की योजना बना रही है वो किस देश की एजेंसी है। पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा है भारत और इसका सही उत्तर है बी रूस। रूस की एजेंसी, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे मैंने आज आपको तीन चीजें बताई, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अमेरिका की नासा, भारत की इसरो और रूस की रोसकॉस्मोस। तो ये एक जो सवाल है उसमें बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे और इस वर्ष अक्टूबर के माह में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। किसके लिए ये मिशन है, लूनर 25 मिशन किसके लिए है, चंद्रमा पे जमी बर्फ के बारे में, किसने कौन लॉन्च कर रहा है, रूस लॉन्च कर रहा है। रूस की एजेंसी का नाम क्या है, रोसकॉस्मोस है। कब लॉन्च होगा, अक्टूबर माह में होगा। अब हम जैसा कि हमने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था कि आरएएस में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो कि छोटे कम शब्दों में उसका संक्षिप्त में जवाब देना होता है और ऐसे सवालों का बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने में कि हमेशा छोटे सवाल जो होते हैं वो बहुत बहुत मुश्किल सवाल होते हैं और उनको कम से कम शब्दों में लिखने में जो है एक महारत हासिल करनी होती है। ये जो सारी की सारी जो महारत है, ये जो एक हुनर है, ये हुनर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना अभ्यास आप लिखने का करेंगे, उतना ही आप अच्छा और इफ़ेक्टिव लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए आपको निरंतर और नियमित रूप से लिखने की आदत डालने की ज़रूरत है। ऐसे सवालों में हमने पहला सवाल शामिल किया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। महत्वपूर्ण सवाल है और ये कई सारी एग्जाम्स में आपको जो है परेशान करेगा। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि हमारे देश में आज का जो मीडिया है वो गोदी मीडिया में परिवर्तित हो चुका है
और ये देश के लिए एक विशेष खतरे के रूप में उभर रहा है। इसके संबंध में एक एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये जो है इसका आकलन 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह 142वें स्थान पर है। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। तो इसमें देखिए पहले पैराग्राफ में कितने सारे सवाल आपके आते हैं कि कितने देशों की है, 180 देशों की। एक दूसरी नाम क्या है, RSF रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। तीसरा भारत का स्थान कौन सा है, 142। चौथा सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे के बाद तीन कौन है, फिनलैंड और डेनमार्क। दूसरा एक सवाल जो हम लेकर के आए हैं उसमें है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी गई नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है। महत्वपूर्ण सवाल है, यूनाइटेड किंगडम की एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे ब्रिटकॉइन कहा जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लक्ष्यों को लाभ को आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है। बैंक ने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसे का एक नया रूप होगा। ये भारत में वैसे बहुत पहले से इसका एक काले धन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो है ट्रांजेक्शन भारत में बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी हो रहा है। भारत का जो रिजर्व बैंक है इसके लिए बहुत चिंतित है और वो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है। वहीं ये जो इंग्लैंड जैसे जो देश हैं वो इस मुद्रा को जो है स्वीकार करवाने के लिए, उसको ऑफिशियली मानने के लिए, उसको ऑथराइज करने के लिए, उसके लिए कदम उठा रहे हैं। तीसरा इससे जुड़ा हुआ आज के टॉपिक का जो सवाल है वो उसमें किस देश में किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को, डेमोग्राफिक एडवांटेज को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जो है वो चाइना का एक पीपल्स ऑफ चाइना बैंक है, इसने जारी की है। और उसका कहना है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2035 तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभ चीन से आगे निकल जाएगा। ये प्रस्तावित करता है कि चीन को एक बढ़ती आबादी की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी जन्म नीतियों को तुरंत उदार बनाना चाहिए। चीन जो है अपनी जनसांख्यिकीय नीति के बारे में पुनर्विचार कर रहा है। चौथा जो प्रश्न है उसमें ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस से जुड़ा हुआ है, और ये जो है इसका जवाब जो है, अगले 5 वर्षों में महासागर में 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इस पहल को ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय संस्कारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ये इसका नाम है ब्लू नेचर अलायंस। पांचवा जो महत्वपूर्ण जो सवाल है जो आज के इस लेसन का आखिरी सवाल है, इसमें हमने शामिल किया है कि हाल ही में इद्रिस डेबी इटेनो का निधन हुआ है। वे 3 दशक से अधिक समय से किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे, और इसका जो जवाब है, मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इटेनो, जिन्होंने 3 दशक से अधिक समय में तक देश का शासन किया, हाल ही में विद्रोहियों के द्वारा लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। डेबी
अफ्रीका में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे और उन्होंने उत्तरी माली में शांति के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण सैनिकों की आपूर्ति की थी। ये आज का अंतिम सवाल हमारा आपके समक्ष है और मैं अब आपके सामने एक और जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो कोविड से जुड़ी हुई जो सूचना है, जो हमारे देश से जुड़ी हुई जो खबर है, जो आपके आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए भी आपके सामने हो सकती है, और ये जो इसमें हमने शामिल किया है, भारत में बायोटेक कोवैक्सीन को कुल मिलाकर कोविड रोगियों के लिए 78% प्रभावी पाया गया है। गंभीर कोविड मरीजों को कोवैक्सीन 100% प्रभावी रही है। भारत बायोटेक और ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, आज कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण में अंतरिम परिणामों की घोषणा की है और भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे अंतरिम परिणामों को कोवैक्सीन को गंभीर कोविड रोगियों को बहुत प्रभावी पाया गया है। हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के कारण हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड मरीजों को कोवैक्सीन 78% प्रभावी रही है। जो कोरोना का जो सेकेंड फेज जो आया है, दूसरा दौर जो आया है, जो चल रहा है वर्तमान में, इसके लिए ये कोवैक्सीन जो है वो बहुत प्रभावी मानी जा रही है और इसका परीक्षण जो है वो अंतिम परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसको IMCR और जो इसको बनाने वाली जो भारत बायोटेक जो कंपनी है, ये अगस्त तक भारत में उसको लॉन्च करने की, लाने की बात कह रही है और इसकी जो पुष्टि है वो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किए जा रहे COVID-19 के घरेलू टीके बायोलॉजिकल ई के पहले और दूसरे चरण में परीक्षण पूरे हो गए हैं और तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने इस टीके के अगस्त के महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है, जो कि ये दोनों कंपनियां इसके लिए तैयारी कर रही है और इसका परीक्षण चल रहा है और अगर ये सफल होता है तो आपको अगस्त में कोविड के सेकंड वेरिएंट की जो है वो वैक्सीन भी मिल जाएगी। और इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूँ। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आलोकन अकेडमी की वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट में का फ़ायदा ले सके। आपको मैं बता दूँ, जो लोग IAS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि आलोकन अकेडमी की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हमने पिछले सालों के जो प्रश्न हैं उनका एक सेट, करीब 2500 प्रश्नों का एक सेट है और उसको इसी तरह से क्रश करके हमने वहाँ पे डाला हुआ है। अंग्रेजी में वो अभी तक हमने डाला है, उसका हिंदी वर्जन हम जल्दी लेकर के आएंगे। आप उसको वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आलोकन अकेडमी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे IAS फाउंडेशन का एक कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स के जो अटैचमेंट्स हैं उनमें वो जो 2500 प्रश्नों की जो एक पूरी का एक डॉक्यूमेंट है वो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। आप हमसे जुड़े, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।